मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। सरदारपुरा के पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं से सीएम गहलोत ने फीडबैक लिया और साथ ही वैभव गहलोत के प्रचार में भी सीएम अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। उन्होंने राफेल खरीद के मामले पर बयान दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि राफेल खरीद के मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूरी दे दी, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जब ये कह रहे हैं कि इस रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार शामिल है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई कर जांच करवानी चाहिए, जिससे इस भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के भाजपा ज्वाइन करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति की आजादी है कि वो स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रूप से किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी बैंसला का ये निजी मामला है और इस पर वो कोई बयान नहीं देना चाहेंगे। सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, राफेल खरीद के मामले में भी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करवानी चाहिए। जब भारत की किसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष इसमें भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हों, जो टेंडर हो गए थे यूपी गवर्नमेंट पर, दो पार्टी ने भाग लिया, एक पार्टी चयन हुआ राफेल का, जो विमान लड़ाकू विमान कुछ कोटि का है, 526 करोड़ रुपये रेट तय हुई, सरकार बदल गई, तो या तो टेंडर कैंसिल होता, वापस टेंडर होता। बिना टेंडर कैंसिल हो गए आज सड़क मंत्री तब भी, अगर नया टेंडर होता अलग बात है, बिना टेंडर कैंसिल हो गए, आपने सरकार बदलते ही प्रधानमंत्री खुद गए फ्रांस और वहाँ पे जाके 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ का हो गया। देश को जरूरत थी 132 प्लेन की, 126 प्लेन की जरूरत थी, उस पर आप 32 पे आ गए। प्रक्रिया अपनाई नहीं ना डिफेंस मिनिस्ट्री से अपनाई, और पैरेलल प्रक्रिया अपनाई गई पीएमओ से, ये कभी आज तक इतिहास में कभी नहीं होता। इतना बड़ा मुद्दा है जो कि जिसका जवाब देश मांगता है, ना प्रधानमंत्री दे रहे हैं ना रक्षा।